हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीताज किचन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी दाल तड़का, एकदम से यम्मी और डिलीशियस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम उड़द की दाल। इसको मैंने अच्छी तरह से धुलकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम दाल को कुकर में डाल लेंगे। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। 100 ग्राम दाल में 3 कप पानी बहुत रहेगा और 1 चम्मच नमक। एक चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग और आप आधा चम्मच इसमें ऑयल भी डाल दें, जिससे कि जब सीटी आए तो फिर वो दाल हमारी बाहर ना निकले। मिला देंगे इन सबको। हम बस अब कुकर का ढक्कन बंद करके 6 से 7 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक हमारी दाल उबलती है तब तक हम दूसरी साइड दाल में लगाने के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के गर्म होते ही 4 चम्मच तेल को गर्म कर लिया। अब सबसे पहले हम डाल लेते हैं 1 बड़ी इलायची, 1 बेल लीफ और 1 टीस्पून जीरा। भून लेंगे इन तीनों को। अब ऐड करेंगे चॉपकी हुई ऑनियन और इसको आधा मिनट तक फ्राई करेंगे। आधा मिनट के बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिला देंगे इनको और चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम ऐड कर देंगे अपने चॉप किए हुए टमाटो। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए मसाले से ऑयल भी रिलीज होने लगा है। अब हम ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। पहले फ्लेम को लो कर देते हैं जिससे कि मसाला जले नहीं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। मिला देंगे एक बार और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिला देंगे इन सबको और आधा मिनट तक भून लेंगे मसाले को। ये देखिए दाल भी उबल गई है और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था। अब हम ऐड करेंगे दाल को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है। मिला दे अच्छे से। अगर आपको दाल थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डालें। और बस ढक्कन बंद करके 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन को हटाया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, दाल में एक उबाल आ चुका है, देख सकते हैं आप। दाल अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब मुझे लगाना है दाल में एक स्पेशल तड़का। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी को गर्म करके उसमें 2 साबुत मिर्च डाल दी है। मिर्ची को फ्राई करेंगे ब्लैक होने तक। देखिए मिर्ची का कलर चेंज हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून देगी मिर्च। मिलाएंगे। और डाल देंगे दाल के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल तड़का ढाबा स्टाइल वाली एकदम से रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी इसे एक बार बनाकर देखिए, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।